हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम। फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आपके लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे इसके ट्रिक्स को लेके आया हूँ। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उठिए, जागिए और लक्ष्य की ओर भागिए। सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का ट्रिक है कि सबसे पहले तो एक रेलवे वर्कर होता है जो कि पटरी पे काम कर रहा होता है और उन्हें पटरी को जोड़ने को कहा गया था। तो फ्रेंड, होता क्या है कि वो वर्कर बोलता है कि मैं इस पटरी को जोड़ दूँ क्या। ऑफिसर से पूछता है तो ऑफिसर क्या बोलता है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, गैप डाल दे। तो फ्रेंड, ये एक ट्रिक बन जाता है और आपको याद रह गया होगा फ्रेंड। जब भी आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर याद आएगा कि ऐसा मैंने सुना था, पढ़ा था, गैप डाल दे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। गैप डाल दे से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? GAP गैप, DAL डाल और D यानी कि दे, गैप डाल दे। तो जी से हो जाएगा फ्रेंड गामा रेज, ए से हो जाएगा अल्फा रेज, पी से हो जाएगा परावैगनी रेज और डी से हो जाएगा दृश्य रेज यानी कि दृश्य विकिरण। उसके बाद ए से हो जाएगा अवरक्त विकिरण। उसके बाद फ्रेंड, तो फ्रेंड लास्ट में क्या था? डाल दे, DAL डाल दे। तो उसके बाद फ्रेंड ए से अवरक्त किरण, एल से हो जाएगा लघु रेडियो वेव और डी से हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु किरणें और दीर्घ रेडियो तरंग को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं दीर्घ किरणें, ठीक है। और दृश्य विकिरण तो दृश्य प्रकाश है ही, अवरक्त विकिरण तो आप जान ही रहे हैं, परावैगनी किरण इसे ही हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। और दृश्य विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? विजिबल रेड यानी कि रेज, विजिबल रेज यानी कि दृश्य प्रकाश। तो फ्रेंड, ये तो था एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। गैप डाल दे, समझ गए फ्रेंड? तो सिर्फ याद रखने के लिए फ्रेंड एक ये ट्रिक है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि इनकी खोज किन्होंने की है, किसने इनकी खोज की है। तो चलिए फ्रेंड, इनकी खोज की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, गामा रेज की खोज किसने की है फ्रेंड? गामा की खोज की है हेनरी बैकुरल ने। उसके बाद फ्रेंड अल्फा रेज की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। उसके बाद फ्रेंड परावैगनी किरण की खोज किसने की है फ्रेंड? रिचर ने। उसके बाद फ्रेंड दृश्य विकिरण यानी कि विजिबल रेज यानी दृश्य विकिरण की खोज किसने की है? तो ये की है न्यूटन ने। ये किसने की है फ्रेंड? ये की है न्यूटन ने। उसके बाद फ्रेंड अवरक्त प्रकाश ये किसने खोज की है फ्रेंड? ये खोज की है हर्सेल ने। तो फ्रेंड, उसके बाद है लघु रेडियो वेव यानी कि लघु किरणों की खोज किसने की है फ्रेंड? तो लघु किरणों की खोज की है फ्रेंड हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो वेव की खोज किसने की है फ्रेंड? ये की है मार्कोनी ने। तो फ्रेंड, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के खोजकर्ता। तो फ्रेंड, अब आपसे हमारा आज का प्रश्न है, आप बताएंगे एक्स किरणों की खोज किसने की है। तो फ्रेंड, एक्स किरणों की खोज किसने की है ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें सुझाव ज़रूर देंगे। आपका सुझाव हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ और करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दिया करें और लाइक तो करना ही है। उसके बाद फ्रेंड, और एक बात फिर बोलूँगा मैं जो मैं बोलता आता हूँ, उठिए, जागिए, लक्ष्य की ओर भागिए, सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी।
100%। तो फ्रेंड आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।